इसका 4 रुपये। ओवर करंट प्रोटेक्शन, इसका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिखा दे, लिखा हुआ है OC। कहाँ लिखा हुआ है ये? यहाँ पे OCP, ये जो सोर्स से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है। इससे ये क्लियर हो गया कि हम हमारा जो करंट की सुरक्षा के लिए, अलर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ यहाँ पे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप IC के बारे में समझेंगे। जैसे ये ड्राइवर IC है, ड्राइवर IC के फंक्शन के बारे में समझेंगे। इसमें से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सबसे पहले कोई भी IC को ले लीजिए जो इस समय बन रही है। मान लीजिए इस IC का, किस IC को क्या कहते हैं, इसके पैकेज कैसे होते हैं, और या कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। और कहने का बात ये है, देखिए इस समय हम जो भी बता रहे हैं, अगर आप नोट बना रहे हैं तो वहाँ पे नोट कर लिया करें कुछ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक वीडियो में आपको पूरे 10 मिनट के वीडियो में उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो उनके लिए वो चीज़ें स्टेप बेकार होगा, लेकिन किसी चीज़ को किसी चीज़ की तलाश है जानने की, ये उसी वीडियो में उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाया करेगा। तो आप सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो कोई भी वीडियो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है वो 1 ही मिनट की होती है या कुछ ही सेकंड का होता है। तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसे आप तुरंत नोट कर लें। नोट करने से क्या फ़ायदा होगा हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन जो भी आपको उसमें ठीक लगे और जो आपको ज़रूरत हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, आप एक नोटबुक बना लें, उसे तुरंत नोट कर लें, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट फ्यूचर में काम आने वाला। चलते हैं आगे इस IC के बारे में। देखिए आप देखते होंगे जब आपका बोर्ड, मदरबोर्ड या ड्राइवर सेक्शन प्रॉब्लम में होता होगा, तो आपको वहाँ पे कोई बर्निंग पॉइंट नहीं मिलते होंगे। इस समय जैसे बहुत सारे MOSFET पहले ब्लास्ट हो जाते थे और बहुत सारी IC ब्लास्ट हो जाती थी, वहाँ पे काला काला स्पॉट हो जाता था उस एरिया में, PCB में, अब वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भी प्रॉब्लम आता है उसे बाद में, यानी उसे और स्मार्ट बना के उसे दूर कर दिया जाता है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो चाहे जो हो, इस समय वो अपने अपडेट में वो स्मार्ट के अलावा नीचे नहीं जाएगा कभी, यानी बैक में, पास्ट में नहीं जाएगा, वो फ्यूचर में और स्मार्ट होता ही। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी के माइंड सेटअप हो या कोई भी एजुकेशन हो, अगर पहले से कोई चीज़ें हैं उसमें मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर वो मान लीजिए एजुकेशन पे आ गए कि जैसे मान लीजिए अगर नहीं परिवर्तन कर रहे हैं तो वो मैचिंग नहीं होगा इस समय के, क्योंकि इन्वर्स जो है, स्टेप बाई स्टेप खुद ही वो अपडेट हो रहा है और सारी चीज़ें वही इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, वही सिग्नल भेज रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले भी वही कर रहा था, आज भी वही कर रहा है, सिर्फ हमको मैच होने की ज़रूरत है। चलिए उसको हम अलग बताएंगे पहले। अब यहाँ पर देखें, हम मैं कहूँगा अगर कि कोई भी IC ख़राब नहीं होती, फॉल्ट नहीं होती, तो शायद आपको शॉक लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमको जानने की ज़रूरत ऐसा है कि आप सोचते होंगे जैसे मान लीजिए किसी की रिपेयरिंग की दुकान है या किसी डॉक्टर की दुकान है, वो सॉरी डॉक्टर की क्लिनिक है, तो वो चाहेगा कि मरीज पेशेंट आए तभी उसका काम चलेगा, और आप भी लोग चाहेंगे कि जब ख़राब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए ये मैटर एक अलग है, अगर आप ही कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, उसे यूज करते हैं, अगर उसमें फॉल्ट आता है तो आप खुश होते हैं? मान लीजिए ठीक है आप रिपेयर करते हैं, लेकिन आपके कोई मोबाइल खरीद के लाए, अगर उसमें फॉल्ट आया और आपको टेक्नीशियन के पास जाना पड़ा, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या फीलिंग आएगी? आप ही अपने इनर से सोचें। तो अब कहने की बात नहीं है, आप सोच लीजिएगा। देखिए वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी IC डिज़ाइन हो रहे हैं उस समय दूसरी बात थी, टेक्नोलॉजी उतनी अपडेट नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी है कि हर IC अपने प्रोडक्ट में है।
इसलिए कि आईसी अपने प्रोडक्शन में नहीं रहेगी तो सही से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जैसे ड्राइवर आईसी है इस एरिया में रहता है, इसका मेन अपना एक भूमिका होता है, जो ड्राइवर होता है उसे बहुत ही सेफ बनाया जाता है, और उसके एरिया जब डिजाइन की जाती है कोई पीसीबी तो उसको उस मोमेंट से, यानी जो हमारी हीटिंग और हर चीज़ है, जो देखिए जो डिजाइन करते हैं वो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रख के मतलब डिजाइन करते हैं, जैसे हमारा डीएसपी हुआ, ड्राइवर हुआ, तो यानी कहीं पे टेम्परेचर का एरिया अलग है और जहाँ पे हमारा सिस्टम है उसका एरिया अलग है, तो वो जो टेम्परेचर है उसे बैलेंस करके सारी चीज़ों को डिजाइन किया जाता है। अब समझते हैं इस आईसी के बारे में। इसमें आपका ये 8 पिन का है, जिनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक है हमारा करंट, जो पहला नंबर है करंट मोड कंट्रोल एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, ऑपरेशन जो इसका काम है करंट मोड कंट्रोल, यानी ये करंट को कंट्रोल करता है, एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब आगे आ जाते हैं, ये नंबर 2 8 वोल्ट टू 18 वोल्ट, यानी 8 वोल्ट से 18 वोल्ट तक, मिनिमम 8 वोल्ट और मैक्सिमम 18 वोल्ट, यानी 18 वोल्ट पे ये इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वर्किंग वोल्टेज है वो है। अगर आपका यहाँ पे 8 वोल्ट तक रहेगा तो भी ये काम करेगा, 18 तक रहेगा तो भी काम करेगा, इसके बाद अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी इसके अंदर प्रोटेक्शन है, और कम हो जाएगा तो भी इसके अंदर प्रोटेक्शन है। वो कैसे, अभी आगे चलिए बताते हैं। अब ये इंटरनल मिनिमम ऑफ टाइम, इसके जब जो आपको बताया है ना कि मिनिमम मतलब अगर इस वोल्टेज के नीचे उतरेगा तो इसके जो ऑफ टाइम है वो भी अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से इसके इंटरनल होता है आईसी के। ये छोटी सी आईसी में इतने ज़्यादा फीचर हैं, इसलिए आपको इस पर फोकस करा रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, पिन नंबर सॉरी ये फीचर इसका 4 पे, ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिखा दे, लिखा हुआ है OC, कहाँ लिखा हुआ है ये, यहाँ पे OCP, ये जो सोर्स से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, ये OCP मतलब हुआ यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। मैं रिपीट करता हूँ बार बार, किसी चीज़ को जब रिपीटिंग होता है तो एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है तो उससे रिलेटेड अपने आप वो थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं और उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ इंफॉर्मेशन आने लगते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है ना कि बार बार इसे क्यों कहते हैं, बार बार मैं बहुत बार बाद में बताऊँगा ये सब सारी चीज़ों को। देखिए OCP क्या हुआ, ओवर करंट प्रोटेक्शन। इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो करंट की सुरक्षा के लिए, अलर्ट के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ यहाँ पे जा रहा है। जैसे यहाँ पे करंट अधिक होगा, आईसी को इंफॉर्मेशन मिलेगी, कमांड मिलेगा, ये आईसी इंटरनल बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये फ्रिक्वेंसी जो इसकी आउट हो रही है गेट के लिए ये बंद कर देगा, तो आपका ये बंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये दूसरा है 5 नंबर का, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसका शॉर्ट फॉर्म है OBP, यहाँ पर देखें क्या कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स समझते होंगे सुरक्षा, ओ मतलब ओवर, बी मतलब वोल्टेज,
जैसे ये करंट हुआ, अब यहाँ पे ये वोल्टेज हो गया। वोल्टेज मतलब यहाँ से जो वोल्टेज आउट हो रहे हैं, ओवर मतलब अगर अधिक होगा तो इसकी सूचना यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे? पिन नंबर 5 पे। जैसे इसको ओवर वोल्टेज की यहाँ पे जनरेट हो गया किसी भी रीजन से, ये तुरंत इन्फॉर्मेशन कमांड अंदर सूचना मिल जाएगी और ये आईसी इंटरनल बंद हो जाएगी। यहाँ पे ड्राइव बंद कर देगा, वोल्टेज बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, इंटरनल सॉफ्ट स्टार्ट। इसकी जो स्टार्टिंग है, जब आप स्टार्टिंग वोल्टेज देंगे यहाँ पे VDD, इसको सप्लाई मिलते ही और ये इसके एनेबल वोल्टेज आते ही ये क्या होगा, ये क्विक फायर नहीं करेगा, ये स्मूथली इंटरनल ड्राइव इसको बहुत ही, जैसे कोई होता है एक स्टेप जो पहला उठाएगा वो बहुत आराम से उठाएगा, एक होता है झटके से, तो झटके से प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसलिए इसको सॉफ्ट स्टार्ट किया गया है जो स्मूथली रन करता है। तो ये क्या होगा कि बहुत आस्ते से पहला पल्स जो है बहुत स्मूथ स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसको आगे देखना होता ना कि क्या है क्या नहीं है, हो सक क्योंकि झटके से क्या है कि हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो। तो ये जब पहला स्टेप उठाएगा तो बहुत स्मूथ, और यही स्टेप ही इसको इंडिकेट कर देता है कि हल्के से ही पहले पल्स में ही इसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुरंत ये प्रेशर दे देता है अंदर से करंट का। तो ये क्लियर हो जाता है, यानी सोर्स से हमारा जो है आउट होके मालूम हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये एक्सटर्नल शॉर्ट की ओपन शॉर्ट प्रोटेक्शन। इसके जो इंटरनल सिस्टम बने हैं उसके बारे में, ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है या ओपन, वो ऑटोमेटिक तरीके से इसके अंदर होता है, और ये है हमारा जो है यहाँ पे 8वां नंबर, इंटरनल इंडक्टर शॉर्ट प्रोटेक्शन। इसके अंदर जो इंडक्टर बना हुआ है जहाँ से ये हमारी पल्स जनरेट होती है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के लिए भी जो है इसके इंटरनल प्रोटेक्शन है। हो सकता है एक दो स्टेप अभी हम आपको क्लियर ना किए हो, क्योंकि ज़्यादा हम फोकस करते हैं जैसे यहाँ पर 2 और 2 4, इसी पे जो है फोकस किए हैं, क्योंकि देखिए जैसे हम किसी चीज़ का जब इंटरनल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं या उसके बारे में जान लेते हैं, तो उस पे जो हमको बताने का रहता है वो हम अपने इंटरनल ही बताते हैं, आपको इसके अनुसार नहीं बता पाते। तो पहले मेन मेन चीज़ें समझे, जैसे करंट वोल्टेज हो गया। अब हम आते हैं यहाँ नेक्स्ट 9 नंबर पे, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OTP। OTP नहीं, जो बैंक वाला आता है उसका फुल फॉर्म अलग है। ये देखिए OTP कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है। OTP का मतलब हुआ इसके इंटरनल, क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैं बिना जाने इसको देखा हूँ कि कहाँ पे लिखा है, किस पिन से। अभी पिन से रिलेटेड नहीं था तो माइंड कहाँ ले गया कि इसकी बॉडी यानी ये जो आईसी है इसकी फुल जो पैकेज है उसकी प्रोटेक्शन, यानी गर्म होगी तो आईसी ही गर्म होगी पूरी, उसकी बॉडी यानी हमारा जो होल बॉडी है, अगर इंटरनल कोई मैटर होता है या कोई थिंकिंग पावर या कुछ ऐसे डिस्टरबेंस होते हैं तो देखिए हमारी बॉडी हीट होती है, या कोई ऐसे बैक्टीरिया इंटरनल जब, तो उसमें पूरी बॉडी फंक्शन करती है ना, जब जैसे फीवर होता है तो पूरी बॉडी टेम्परेचर हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो इंडिकेशन दे देता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे यहाँ पे इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये ऐसी हीट होने लगेगी, हीट होने लगेगी तो इसके इंटरनल बॉडी से ही अटैच एक सेंसर होता है जो इसके ओसिलेशन सेक्शन को बंद करने का काम करता है, वो तुरंत शट डाउन कर देगा। और जैसे वो शट डाउन सिस्टम हुआ, जैसे यहाँ से आउट होने वाली 8 नंबर से पल्स बंद, क्लोज। ये हो गया इसका टेम्परेचर।
और टेम्परेचर ऐसा नहीं, बाहर का भी टेम्परेचर अगर वहाँ पे जा रहा है आईसी पे तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए बहुत सारे सिस्टम देखिए जब बन 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 के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं तो उसके बॉडी की डिज़ाइन अगर ठीक से नहीं है, या किसी भी कैबिनेट में, बॉडी का मतलब कैबिनेट में, अगर पीसीबी को ठीक से इंस्टॉल नहीं किया, ठीक जगह पे इंस्टॉल नहीं किया, ठीक एंगल पे इंस्टॉल नहीं किया गया, तो उसमें अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जो एक कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी चार्ज करते करते हैंग हो जाना, सॉरी वो चार्जिंग में चले गए, ये काम करते करते समय जो है बंद हो जाना, या अचानक जो है वहाँ पे कुछ देर बाद ये चीज़ें होना, या फिक्स टाइम पे ये बंद हो जाना, तो ये सब सारी मैटर जो है उसके एरिया को देखते हुए होता है। ये कब होता है कि एक तो जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन होते हैं वो R&D होती है, उसको सारे एंगल से देख लिया जाता है, लेकिन कोई अगर सेल्फ असेंबलिंग करता है, अलग से बॉडी लाता है और अपने हिसाब से उसको लगाता है, उसे मालूम नहीं कौन सा टेम्परेचर कहाँ है, हीट एरिया कहाँ है, कितना एरिया होनी चाहिए, कितनी दूर हुई होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को देख के तब एक सिस्टम हमारा रेडी होता है। अब हम यहाँ पे, ये तो टेम्परेचर की बात हुई, अब नीचे आ जाते हैं 10 नंबर पे, इंटरनल अंडर वोल्टेज लॉकआउट। जैसा कि आपको बताए हैं अंडर वोल्टेज लॉकआउट मतलब जो हमारा 8 वोल्ट यानी मिनिमम और मैक्सिमम 18 वोल्ट, 8 से 18 वोल्ट अगर मिनिमम या मैक्सिमम यानी कम होगा तो भी बंद हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी सी आईसी में इतने सारे फीचर और इतने प्रोटेक्शन, अब बताइए ये कैसे फॉल्ट होगा? ये नहीं कह रहे हैं कि खराब नहीं होगा, खराब होने का रीज़न होता है, वही आपसे बताया कि आईसी बनाने वाली कंपनी ने तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया, अब इसके बाद डिजाइन करने वाले के ऊपर होता है इसको बचाना। क्योंकि डिजाइनिंग में यहाँ पे भी देखा जाता है 8 नंबर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस ड्राइवर को यहाँ से ही खतरा होता है, इसी वजह से जब ये माउस पैड जाता है तो ये ड्राइवर जाता है, आप इन्वर्टर में देखे होंगे, और ये भी एज ए इन्वर्टर समझ लीजिए, क्योंकि एक ड्राइवर है, यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, बूस्ट बन रहा है। अभी इसी के एग्जाम्पल पे आप कोई भी अदर आईसी लें, अगर आपकी आईसी कोई भी वर्किंग नहीं करती, शांत हो गई, वोल्टेज सारे नॉर्मल हैं यानी वोल्टेज अवेलेबल हैं, और उसके बाद भी वर्क कोई काम नहीं कर रहा है, स्टैंड बाय रिलीज है, तो आप उस समय क्या चेक करेंगे? अब देखिए साफ साफ आप जान लीजिए कि कोई भी आप अपने बॉडी को ले लें, यानी अपने आप को ले लें, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको ज़िंदा रहने के लिए, आपकी बॉडी जितनी सेफ होगी, जितनी अच्छी होगी, आप तभी अच्छा से जी पाएंगे, अच्छा से रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस तनाव या जितने भी होंगे उसमें देखिए उतने ही सेल्स डैमेज होते जाएंगे, इंटरनल बॉडी ख़त्म होती चली जाएगी, तो जिसमें रहना है वही चीज़ें जो है हिट हो के जल जल के सारे सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, एक ऐसी स्टेप आएगी कि वहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं रह जाएगी कि जो हमारे बॉडी को जिंदा रखने का काम करे। ये जो ऑटोमेशन का सिस्टम है, जो हमारी ऑटोमेटिक बॉडी है, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे सेंसर हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, इसी प्रोसेस पे इसको भी काम किया जाता है कि किसी भी आईसी को देखिए लॉकआउट, ये जो हमारा यहाँ पे है लॉकआउट क्यों रखा गया है, हम आईसी में यही चीज़ें देख रहे हैं कि कोई भी कंप्यूटर का देख लीजिए, अगर उसमें आप कोई भी डाटा अगर इनवैलिड है या गलत है या कोई भी उसे रिजेक्ट कैसे करता है, वो अपने सेफ रहने के लिए, कि हमारे अंदर कोई भी ऐसे वायरस ना इन हो, नहीं तो पूरे सेटअप यानी पूरे सिस्टम को बंद कर देते हैं। और एक हमारा सिस्टम है तो हमको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है कि कोई भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन इन ना हो कि जिससे हमारी बॉडी पूरी हिट हो जाए और
नहीं, वो सब अलग बात है। देखिए इससे रिलेटेड ही है इसलिए बता रहे हैं, अभी बहुत कुछ सारी चीज़ें जब तक प्रूफ नहीं कर देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मेरी बात को ध्यान में रखें। और इसमें से 10 मिनट के वीडियो में से या 15 मिनट या 20 मिनट जो भी वीडियो बन रहे हैं उसमें से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। हमारे हर वीडियो में आपको अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं उसमें देख लीजिएगा, हो सकता है कि कहीं हम बोल ना पाए हों या कुछ ना पाए, लेकिन उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए होंगे वो एकदम ट्रू होगा। और वो आपका हो सकता है कोई जानते हो तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं, जो नहीं जानते हैं वो जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो उस स्टेप को पा जाएंगे वो। और एक ही स्टेप, एक ही सिग्नल, एक ही कमांड किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए काफ़ी होता है, इनफ होता है। आगे हम नेक्स्ट बताते हैं और भी आईसी के फंक्शन के बारे में, जैसे जैसे हम इसके डीप में जाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस और क्लियर होंगे। क्योंकि जब आपके ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम आते हैं तो देखिए वहाँ पे आप देखते होंगे कि मॉस्फेट भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शांत है। अब आपको जैसे किसी ने कमेंट किया था ना कि कस्टमर बहुत जल्दी में रहता है तो हमको शॉर्ट यही होता है कि अलग से लगा दें, देखिए वहाँ पे अलग से जो लगा रहे हैं आप वहाँ भी आप टाइम दे रहे हैं, ये भी बहुत टाइम का नहीं है, बहुत बड़ा सर्किट नहीं है, बहुत छोटी सी है। आप सिर्फ देख के घबरा जाते हैं इसलिए कि इसके पिन को नहीं जानते। अगर मान लीजिए इससे कंफर्म करना हो, आपको बता दे कि यहाँ पे प्रॉब लगा के रखी है, उसके बाद टीवी को ऑन करिए, ऑन करिए, देखिए यहाँ पे पल्स आउट हो रहा है कि नहीं, कितने वोल्टेज का पल्स है, और आउट होके बंद हो जा रहा है या नहीं आउट हो रहा है, यहाँ पे इसे कट करिए, कट करके फिर देखिए, अगर आउट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा ये बचा हुआ है, मामला यहाँ पे है, फिर तुरंत आप इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ पे चले आइए, इसको निकालिए, इसको बदलिए, इसको चेक करिए, मान लीजिए ये भी सही है, उसके बाद भी यहाँ पे बंद हो जा रहा है, फिर आप यहाँ पे आगे चले आइए, इसको कट करिए, फिर यहाँ पे लगा कर रखिए। हम आगे बताएंगे जब प्रैक्टिकली में तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, इसमें हम और मॉडिफाई करेंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लियर नहीं दिखता, मैं एक मुझे गिफ्ट मिला था ये DSLR कैमरा, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, और आज छोटे से बात में उसे हम ख़त्म नहीं करेंगे, कभी हम बताएंगे जिन्होंने मुझे ये दिया है गिफ्ट, तो इस कैमरे को भी यूज करेंगे। और अभी इसके स्टैंड आए नहीं हैं तो हम और इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, और दूसरे तरीके से आपको वो हम दिखाएंगे तब बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।